नमस्कार 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 नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुंवर बजाज। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी। राजीव कुंवर बजाज यानी आरकेबी और इनसाइट विद आरकेबी यानी आरकेबी का ज्ञान। जी हाँ, अब वो ज्ञान है या बेवकूफ़ी की बातें हैं ये तो सब आप लोग तय करेंगे, लेकिन फिलहाल आई स्टार्ट अगेन विद माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा जो प्रिय विषय है आज की तारीख में उसके साथ मैं शुरू करता हूँ, यानी हमारे आदरणीय सम्मानीय बड़े प्यारे मित्र अनिल देशमुख जी के साथ, जो अब सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। ये तो पहली बार है, मैंने पहली बार ऐसे देखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जजमेंट पास कर ली विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी। द पार्टी इज नॉट इवन बीन हर्ड एंड अ जजमेंट हैज बीन पास्ड। नाउ आई एग्री देयर लॉर्डशिप्स मस्ट हैव थॉट ऑफ समथिंग। आई एम श्योर देयर इज अ लॉ पॉइंट ओवर देयर व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज आइदर। मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, ना ही मैं LLB हूं, ना ही मैं LLM हूं, लेकिन जब भी किसी भी शख्स के खिलाफ आज तक का जो रवैया रहा है, आज तक की जो परंपरा रही है लॉ में, एंड प्लीज रिमेंबर वी फॉलो Anglo-Saxon लॉ जस्ट लाइक ग्रेट ब्रिटेन, द कंडेम्ड मैन, द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड हैज टू बी हर्ड। जिसके खिलाफ लांछन लगाया गया है, जिसको आरोपित किया गया है, उसकी बात तो सुननी चाहिए। यहां पर किसी की बात नहीं सुनी गई, ऑर्डर दे दिया गया, हो सकता है ठीक हो, उसमें कोई क्या है। आजकल जहां तक कानून का सवाल है, ये तो कोई कानून का विशेषज्ञ बता पाएगा कि असल में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठीक निर्णय दिया या नहीं दिया। हो सकता है कि निर्णय ठीक दिया हो, लेकिन जो प्रोसीजर था क्या वो फॉलो किया गया, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय अपनी टिप्पणी करेगा जब अभिषेक मनु सिंह भी इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करेंगे। नाउ दिस ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड, नोबडी एल्स। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है और कोई नहीं ले सकता। लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, यानी हम मुंबई करों का सवाल है, हम महाराष्ट्र के रहने वालों का सवाल है, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के निर्णय से हम लोग थोड़े से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए परेशान हैं कि आपने निर्णय लिया लॉकडाउन करने का। जरूर एक्सपर्ट कमिटी ने आपको रेकमेंड किया होगा कि आप लॉकडाउन करें, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा, लॉकडाउन से फायदा क्या होने वाला है? यू विल ब्रेक द चेन फॉर अ शॉर्ट वाइल, लेकिन उसके बाद क्या? क्या सभी लोग उसी तरह अनुशासित तरीके से फिर पेश आएंगे जब आप लॉकडाउन खोलेंगे? धीरे 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 जब आप लॉकडाउन खोलेंगे उसके बाद क्या होगा? क्या लोग नकाब पहनेंगे? क्या लोग शारीरिक दूरियां बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखेंगे जैसे रखनी चाहिए? इनफैक्ट कोविड द पैंडेमिक कैन बी कॉम्बैटेड इवन विदाउट अ लॉकडाउन। रेस्टोरेंट्स को, बार्स को, होटल्स को, क्लब्स को, अलग अलग दुकानें हैं उनको, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं उनको आपको बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। आज की तारीख में अर्थव्यवस्था जो वैसे ही चरमरा रही थी, कहीं उसकी रीढ़ की हड्डी ना टूट जाए। मेरी सिर्फ यही विनती है कि एक हफ्ते के बाद प्लीज रिव्यू द सिचुएशन आफ्टर वन वीक एंड टेक अ लुक एट व्हाट यू हैव डन, टेक अ लुक एट वेदर और नॉट यू आर सक्सीडिंग। एक हफ्ते के बाद अगर आप इसको रिव्यू करें, एक बार फिर आप इसका विश्लेषण करें, उसके बाद आप तय करें कि 30 अप्रैल तक हम लोगों को लॉकडाउन रखना है या नहीं रखना। मेरी उम्मीद तो यह होगी कि एक हफ्ते के बाद आप इसको खोल दें, जैसे पहले आपने धीरे 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 करके खोला था वैसे ही खोल दें, बहुत अच्छा रहेगा। और यहीं पर इसी के चलते चलते, जहां तक के लॉकडाउन का प्रश्न है, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो आज की तारीख में अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका क्या? क्या कोविड उन पे लागू नहीं होता? आप ऑफलाइन एग्जाम्स करवा रहे हैं, आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती आप ये कह रहे हैं कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो जा करके एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम लिखेंगे, क्या उनको कोरोना से कोई डर नहीं है?
क्या कोरोना के साथ आपकी डील हो गई है? और मैं ये सभी के लिए बोल रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं बोल रहा। क्या कोरोना से कह दिया गया है कि भाई विद्यार्थियों को इफेक्ट मत करना जब वो अपना एग्जाम लिखने के लिए आएंगे? हाँ, वैसे अगर बाहर आते हैं तो आप जो है उनको इंपैक्ट करिए, इन्फेक्ट करिए। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्या उनकी सेफ्टी को लेकर के हम लोग अलर्ट नहीं हैं? क्या पूरे हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको अब ये कहा जा रहा है कि जबरन भले ही आपकी क्लासेस ऑनलाइन रही हों, आपको जबरन इम्तिहान देना होगा एग्जाम सेंटर्स में बैठ करके, क्या उनको वहां कोरोना नहीं हो सकता? आफ्टर ऑल यू हैव शट डाउन रेस्टोरेंट्स, यू हैव शट डाउन पब्स, यू हैव शट डाउन ऑल द शॉप्स, यू हैव शट डाउन ऑल द मॉल्स, because you say that even if you maintain social distancing, in spite of that there is a danger that you might be infected. So what about students? jahan tak vidyarthiyon ka sawal hai, unko agar infection ho gayi uska kya? Now this is a logic which beats me completely, and I would request the prime minister here, main pradhanmantri ji se ye binti karta hu, mukhyamantri uddhav thakre ji se to kar hi raha hu, ki aap students ke bare mein kuch sochein। जहां तक विद्यार्थियों का सवाल है, अगर उनकी क्लासेस ऑनलाइन रही हैं तो आप उनके एग्जामिनेशंस ऐसे डिजाइन करें कि वो ऑनलाइन ही अपनी एग्जाम्स दे सकें। ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम देयर, मैं समझ रहा हूं, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या है समस्या? यू डोंट हैव द इंटरनेट फॉर इट। द फैक्ट रिमेंस के आपके पास इंटरनेट नहीं है। अगर सभी बच्चे इकट्ठे बैठ करके 11वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स देंगे, यू जस्ट डोंट हैव द इंटरनेट कैपेसिटी टू टेक ऑन सो मेनी स्टूडेंट्स। तो सच बोलिए कि नहीं है, तो डू इट इन अ फेज्ड मैनर। लेट देयर बी डिफरेंट पेपर्स, लेट देयर बी डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट बैचेस, लेकिन कुछ तो करिए। विद्यार्थियों की सेफ्टी, विद्यार्थियों को कोविड ना हो, इसका दारोमदार आपके ऊपर है। आपने उनको घर बैठा के रखा, स्कूल्स बंद किए, कॉलेजेस बंद किए, क्योंकि आपने कहा कि खतरा है कोविड से। क्या एग्जाम जब लिखेंगे तब खतरा नहीं है? वो खतरा क्या टल गया? जितनी मर्जी आप प्रिकॉशन ले लें, कुछ भी आप कर लें, हाउ डू यू नो दे विल नॉट गेट इन्फेक्टेड? और अगर कोई बच्चा वहां पर इन्फेक्ट हो गया, सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इस विषय के बारे में आप सोचें, कोई इनोवेटिव नया सॉल्यूशन निकालें। द प्राइम मिनिस्टर इज अ ग्रेट टेक्नोलॉजी बफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, उतना शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। हु विल बी सो टेक सेवी जितने प्रधानमंत्री मोदी हैं? So I am sure there is a solution to this. There is definitely a solution to this problem. Don't put so many kids at risk by forcing them to go and sit in an exam center. Exam center mein baithne se bahut bada khatra hai. Agar Delhi mein lockdown impose kar diya gaya hai, Mumbai mein lockdown laga diya gaya hai, to kya wo lockdown एग्जाम सेंटर में नहीं होना चाहिए? और जैसा कि अभी अभी अनिल अंबानी साहब के सुपुत्र ने कहा, जब इलेक्शन रैली होती है तब कोरोना नहीं होता। जब आपका काम है, यानी राजनीतिज्ञों का जब काम है, क्या काम है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, जलसा करना, आंदोलन करना, बहुत बड़ी बड़ी रैलीज करना, उस वक्त कोरोना नहीं होता है। हम जब काम करना शुरू करते हैं तब सबको कोरोना याद आ जाता है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? असम में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? तमिलनाडु में क्यों नहीं लगाया गया? केरल में क्यों नहीं है? चुनाव चल रहे हैं वहां पे, चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं जहां पर किसी ने नकाब नहीं पहना हुआ था, तब आपको नहीं दिख रहा था कि यहां पर लोगों को कोरोना हो सकता है? उस वक्त क्या कोरोना का खतरा टल गया था? दिस इज अनफेयर, दिस इज रियली एंड ट्रूली अनफेयर, एस्पेशली विद रिगार्ड टू द स्टूडेंट्स हु हैव देयर होल लाइव्स अहेड ऑफ देम। वी हैव टू लुक आफ्टर देम। उनके लिए एक कोई नया सॉल्यूशन
और वो सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही द्वारा आएगा। मैं उम्मीद करता हूं दैट वॉट एवर आई हैव सेड विल बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। अभी अभी एक खबर आई है, हमारे डीआरवी न्यूज पे ही चली है। क्या चली है खबर? कि एक स्टूडेंट ने बोला है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स नहीं करेंगे और ऑफलाइन करेंगे तो मैं क्या करूंगा, आंदोलन करूंगा। किस किस्म का आंदोलन करूंगा? हंगर स्ट्राइक पर जाऊंगा, भूख हड़ताल, आमरण भूख हड़ताल। क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस किस्म का आंदोलन करें? ना, वी मस्ट हियर देम। मेरा यह कहना है आज की तारीख में बच्चों को ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जितने भी मुख्यमंत्री हैं पूरे हिंदुस्तान के, भले वो योगी आदित्यनाथ हो गए, ममता बनर्जी हो गई, जो मर्जी हो गया, शिवराज सिंह चौहान हो गए, पिनरी विजयन हो गए, येडुरप्पा साहब हो गए, कोई भी हो गया, आप स्टूडेंट्स की बात सुने, विद्यार्थियों की बात सुने, उनकी जो डिफिकल्टीज है, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको आप सुने और उसके लिए आप कोई उपाय बताएं। हमारे बोर्ड्स ने कह दिया है, क्या कह दिया है? नो ऑफलाइन एग्जाम्स, यू विल हैव टू गो टू द एग्जाम सेंटर। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तुगलकी फरमान जारी करने बंद कीजिए, कोई सोल्यूशन निकालिए। ये भी हमारे बच्चे हैं, हिंदुस्तान के बच्चे हैं, हिंदुस्तान का भविष्य है ये, इसको खतरे में मत डालिए, ना डालिए इसको। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई गॉट फॉर यू। आज आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही, पता नहीं ज्ञान है कि अज्ञान है, मुझे मालूम नहीं है, ज्ञान है कि मूर्खता है ये तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन आज इनसाइट विद आरकेबी में सिर्फ इतना ही। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब टू द डीआरवी न्यूज चैनल। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई विल बी बैक अगेन टुमारो, वेयर वी शैल ऑफ कोर्स बी टॉक टू, वी शैल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट व्हाट आई प्रॉमिस्ड। पहले मैंने कुछ प्रॉमिस किया था आपको, वादा किया था आपसे कि प्रधानमंत्री जी जो रियल एस्टेट के बारे में और MSMEs के बारे में जो करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय भवानी। और हर बार मैं देखता हूं, जब भी मैं जय भवानी बोलता हूं, हमारे स्टूडियो के जितने लोग हैं वो उसको काट देते हैं, इसलिए मैं जान करके दोबारा बोल रहा हूं, जय भवानी, नमस्कार।